नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ सिडनी में बदसलूकी हुई। टीम इंडिया ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए खाना भी नहीं खाया, प्रैक्टिस भी नहीं की और आईसीसी को कंप्लेंट भी कर दी। सिडनी में जो टीम इंडिया के साथ हुआ वो आज तक टीम इंडिया के साथ पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि जब से वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पहुंची है तब से कभी होटल की कंप्लेंट तो कभी प्रैक्टिस को लेकर शिकायतें सामने आने लगी है, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिडनी में आखिरकार टीम इंडिया के साथ बदसलूकी क्यों हुई और किस कारण से टीम इंडिया ने प्रैक्टिस से भी मना कर दिया। मेलबर्न का मैदान जीतने के बाद टीम इंडिया सिडनी पहुंच गई है, जहां पर उन्होंने ऑप्शनल प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया, लेकिन टीम इंडिया से इस दौरान बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत अब टीम इंडिया ने आईसीसी को कर दी है। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के बाद लंच का टीम इंडिया ने बॉयकॉट किया, क्योंकि खाना बहुत ठंडा था और पर्याप्त नहीं था, जिसकी शिकायत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के संबंधित अधिकारी से भी की गई। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, राहुल, सिराज, अश्विन, ठाकुर और हुड्डा ने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में फल, फलाफल और सैंडविच दिया गया, जो कि खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक भारतीय क्रिकेटर ने बताया कि खाना सही और पूरा नहीं था। प्रैक्टिस सेशन के बाद हम सैंडविच नहीं खा सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर फलाफल खाया, जबकि बाकी ने होटल में खाना खाने का विकल्प चुना। टीम इंडिया के साथ सिर्फ खाने को लेकर गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि टीम इंडिया ने अब प्रैक्टिस करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जिस होटल में टीम इंडिया रुकी है वो प्रैक्टिस ग्राउंड से काफी दूर है और खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ज्यादा समय लग रहा है। भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपने मैच से पहले आराम करेगी। आईसीसी ने प्रैक्टिस सेशन के लिए ब्लैकटाउन को चुना था, जो एससीजी से 42 किलोमीटर दूर है और ट्रैवल में काफी वक्त लगेगा। इससे पहले भी टीम इंडिया को 4-स्टार होटल में रुकवाया गया था, तब भी काफी बवाल हुआ था। आईसीसी ने सभी टीमों के लिए शेड्यूल पहले से ही तैयार किया था, हालांकि ये उन्हीं टीमों पर निर्भर करता है कि वो शेड्यूल के साथ टिकना चाहती हैं या फिर नहीं। खैर, अब टीम इंडिया का नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला होना है। अब देखना होगा कि बिना प्रैक्टिस के टीम इंडिया इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करती है।